साहस, उसके धीरज, उसके दिमाग की मैं दाद देता हूँ। और दीनानाथ ने सबसे मुश्किल वक्त में अपनी बेटी का साथ ना छोड़ा। समाज, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह ना करते हुए वो हर मोड़ पे हर्षता के साथ खड़े हैं, उसे सहारा देते हैं। आप भी अपने परिवार के सदस्यों का आसरा बने, उनके हौसला को बढ़ाए रखें, तो दुनिया का कोई भी सीपी किसी भी हर्षिता का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अभी नहीं। देखिए, फिल्म बनाना और प्रमोट करना ऑब्वियसली बहुत कठिनाई की काम होती है, एंड वी हैव टू डू दैट, क्योंकि अगर पब्लिक पैसा देने जाने वाली है थिएटर में तो हमें भी बहुत काम करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रोग्राम जहाँ ये फिल्म का जो अपील है वो मरता नहीं है। तो CID में गए, अभी सावधान इंडिया में आए, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म तो नहीं है, तो बहुत सीरियस सब्जेक्ट हो, तो वो सीरियसनेस सावधान इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में बाहर आएगा, सो इट्स नाइस। देखिए, जो सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से हर वो कॉमन मैन इस पिक्चर से ही बेल टू रिलेट, क्योंकि ये एक आम इंसान की स्ट्रगल के बारे में है, उसकी लड़ाई के बारे में है, और वो किस तरीके से उसको जस्टिस मिलती है अंत में, इंसाफ मिलता है, और क्या वो इंसाफ काफ़ी होता है। किस कभी कभी हमारे जो लव्ड वंस अगर वो गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, हमें उसके बाद इंसाफ मिलता है 15-20 साल के बाद, क्या उसके बाद खुशी मिलेगी हमें? तो एक पूरे सिस्टम पे एक टेक है मेरे हिसाब से, एंड ऑब्वियसली नवाज़ है जो यहाँ पे थे, हुमा है, यामी है, विनय पाटे के, तो ऑल इन ऑल काफ़ी एंटरटेनिंग थ्रिलर है जो 20 फरवरी को लोगों को देखने आना। जिस तरीके से दिव्या कुमार ने गाया है, गुनगुनाया है गाना, और सचिन जिगर का बेस्ट एल्बम है बदलापुर, आई थिंक जो एनर्जी है गाने में, जो तड़प है, वो आई थिंक सबको नज़र आ रही है, और काफ़ी अच्छा कर रहा है वो गाना, सबको पसंद आ रहा है। तो बदलापुर जैसी पिक्चर में से गाना हिट होता है तो पिक्चर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी इतने सीरियस प्रोग्राम्स नहीं किए, इसके पहले मैं बहुत हंसी खेल वाले जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं वहाँ गया हूँ, बट यहाँ आके अच्छा लगा, क्योंकि ये सब रियल लाइफ स्टोरीज है, और एक तरीके से बदलापुर भी एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो आई थिंक एक अच्छा फीलिंग होता है। मुझे खुद नहीं पता, आई थिंक वो ऑडियंस डिसाइड करेगी अगर वो चेंज करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, किरदार निभा रहा हूँ, और वो बिलीफ मुझे दिलाना पड़ता है ऑडियंस को कि हाँ, मैं रघु हूँ, तो वो 20 फरवरी को पता चलेगा। नहीं, ये फिल्म बहुत सच्ची है, जैसे मैंने कहा कि हाँ, ऐसा एक इंसान के साथ हुआ था, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स। तो जो पिक्चर है मुझे अब्यूज़ नहीं करना है, मतलब प्रमोशन भी बहुत सोच समझ के कर रहे हैं जहाँ करना चाहिए, क्योंकि जो फिल्म की जो प्योरिटी है या जो सच्चाई है वो कहीं मतलब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा कमर्शियल करने के हिसाब से गाली ना दे दें फिल्म को। तो जो सच्चाई है, जो सिनेमा है, उसे हम लोग जिस तरीके से बनाई है वैसे ही लोगों को दिखाना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।